आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं अडानी पावर स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में एक ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रहा है कि इसने दो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फर्म को एक्विजिशन किया है, पहला SPPL और दूसरा EREPL, जिसका कि डील का जो वैल्यू रहा है वो अराउंड 609 करोड़ के आसपास का रहा है। तो इस समय अडानी पावर का क्या आउटलुक लग रहा है, आने वाले समय में अडानी पावर के क्या टारगेट और स्टॉप लॉस हो सकते हैं, उसको आसानी से समझेंगे। इस समय अडानी पावर का जो प्राइस है वो लगभग 250 के आसपास का है, जो कि एक मेजर सपोर्ट है। 242-240 के जो लेवल्स हैं उसको अगर ब्रेक करती है तो श्योरली स्टॉक एक शॉर्ट टर्म में पेनफुल हो सकता है और इसके लेवल 190-200 तक के भी दिख सकते हैं। हालांकि जिस प्रकार से इस कंपनी में अलग अलग एक्विजिशन, सुप्रीम कोर्ट का साथ, जो कुछ पेंडिंग पेमेंट्स थे उसको लेकर के ये सब ब्रेकिंग न्यूज है, जिसमें कि मार्केट के वोलेटिलिटी के बाद भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। ओवरऑल अडानी पावर में जो टारगेट आने वाले हैं, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो पोजीशन बनाए रखे। 200 के नीचे का प्राइस एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में जो वॉल्यूम रहा है वो अराउंड 2 करोड़ के आसपास का रहा है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इस स्टॉक में पोजीशन बनाए हैं तो इस स्टॉक में 242-240 के नीचे के स्टॉप लॉस को फॉलो करें, और जो सेफ ट्रेडर हैं तो पहला टारगेट 278-80 का लेकर के चले, दूसरा टारगेट 340। और जो सेफ ट्रेडर हैं वो यहाँ पे मेरा सजेशन रहेगा कि क्वांटिटी स्मॉल ले, चूंकि मार्केट के अंदर काफी वोलेटिलिटी है, और 255-60 के आसपास की बाइंग करते हैं तो पहला टारगेट 280-85 और दूसरा टारगेट 340 तक का विद इन मैक्सिमम 1-1.5 मंथ के ड्यूरेशन में दिख सकता है।